हम लोग यहाँ पर सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 चालू करते हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस हमें सर्कल की निकालना है। हमें गिवन था डायग्राम, कोई पॉइंट क्यू है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट क्यू है, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड सेंटर से इस क्यू पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। देन मुझे फाइंड कराना है, रेडियस फाइंड करना है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है क्योंकि हम जानते हैं सर्कल पे जो मतलब अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो रेडियस पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं टेंजेंट। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारा ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ये बेस हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर गिवन है आपको 25 का स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू गिवन था 25 और ओ पी गिवन था, ओ क्यू आपको फाइंड करना है ओ पी स्क्वायर, पी क्यू गिवन है 24, इसका स्क्वायर कर दिया, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, यह हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, 576 का एलएचएस से मिले आते हैं, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ये 49 इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, दैन ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49 दैन ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओ पी की वैल्यू होंगे 7। स्टार्ट सर्कल की 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर्कल का। इफ इन फिगर गिवन हम लोगों का, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पर टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट हैं सर्कल पर और सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ सच दैट, देन हम लोगों को बताना है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110, ये हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों गिवन है, देन फाइंड करना है देन एंगल पी टी क्यू, हम लोग को फाइंड करना है पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना। तो ये देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू ने बनाया हुआ है, तो इसमें सिंपल हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट रेडियस पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, टेंजेंट जो बनाता है सर्किल पर रेडियस से कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल हम प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, तो यहाँ लगाते हैं कि पी ओ कैसा बोल सकते हैं टी पी नाम ले दीजिए, टी क्यू नाम भी ऐसे भी दे दो, या फिर आपका पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लाएंगे कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है तो एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्वाड्रिलेटरल की वो 360 है, तो ये 90 गिवन है, ये भी 90 गिवन है, ये 110 गिवन है, तो एंगल पी के वैल्यू 90 डिग्री, एंगल टी हम लोगों को फाइंड करना है प्लस एंगल क्यू हम लोगों को गिवन है 90 डिग्री, एंगल ओ गिवन है 110 डिग्री इक्वल टू 360, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 90 180 180 प्लस 110 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 290, ये हो जाएगा हमारा 290 टी प्लस 290 इक्वल टू 360, आर एच एस में भेज देते हैं तो एंगल टी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290, तो एंगल टी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 290 एंड 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एनसीईआरटी का, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल पी ओ ए, हमें पी ओ ए फाइंड करना है। तो हमने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट हो गए हमारे, दो टेंजेंट हो गए, यहाँ से हमें ये एंगल गिवन है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री गिवन है। तो हमने सबसे पहले ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, अब पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है, कौन कौन से ट्रायंगल को, ओ बी पी को और दूसरा है आपका ओ ए पी को, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी सिंपल सा ओ वी इक्वल टू ओ ए, रेडियस है सर्किल की, दोनों रेडियस हैं, ओ वी इक्वल टू ओ ए रेडियस है सर्किल की, ओ पी इक्वल टू ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी ए हो गया कॉमन,
तो भाई आरएचएस रूल लगा सकते हैं, वैसे ये 90-90 आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ओबीपी, ट्रायंगल ओबीपी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ओएपी के, ओएपी के। देन भाई सीपीसीटी, भाई सीपीसीटी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वैसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग एंगल सिंपल सा ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी ए, क्योंकि टोटल एंगल हम लोगों को 180 डिग्री के बन था, टोटल 80 के बन था, तो हाफ हो जाएगा आपका 40-40, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके 40 डिग्री, दोनों एंगल 40 डिग्री। अब फर्स्ट वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सेकंड वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें केवल एंगल ये निकालना था, ओनली जो एंगल फाइनली हमसे पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था फाइंड एंगल ओ पी ए पी ओ ए, फाइंड एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। जैसे नीचे वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं, तो एंगल पी ओ ए, पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लोगों को गिवन है वो लिख लेते हैं। ये तो हम लोगों को फाइंड करना है, तो एंगल पी ओ ए फाइंड करना है प्लस ओ ए पी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी ओ ये 40 डिग्री लोग निकाल चुके थे अभी, 40 डिग्री इक्वल टू 180, दोनों को ऐड किया तो एंगल पी ओ ए प्लस 90 प्लस 40 हो जाएगा अपना 130 डिग्री इक्वल टू 180, आरएचएस में ट्रांसपोज कर दिया पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री, ये हम लोगों को फाइंड करना था आपको।